brought to you by Glimpsy. Win up to rupees 5 crores every day. Download the app now. चेन्नई सुपर किंग्स को अपने टैलिस्मैनिक कैप्टन एमएस धोनी वापस बतौर कप्तान मिल गए हैं। शनिवार को रविंद्र जडेजा ने कप्तानी वापस धोनी को सौंपने का ऐलान किया था, जिसके बाद आईपीएल 2022 के 46वें मुकाबले में रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स का आमना सामना केन विलियमसन के सनराइजर्स हैदराबाद से हुआ। चेन्नई ने पहले बैटिंग की, ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे ने सीएसके को शानदार शुरुआत देते हुए 107 बॉल में 182 रन बना दिए। सीएसके ने एसआरएच को 203 रन का टारगेट दिया। सनराइजर्स के कई बल्लेबाजों ने छोटी छोटी पारियां खेली जो जीत दिलाने के लिए काफी नहीं थी। निकलस पूरन अच्छी लय में नजर आए। पूरन ने 3 चौके और 6 छक्के लगाते हुए 33 गेंदों पर 64 रन जड़ दिए। कुल मिलाकर सनराइजर्स हैदराबाद 20 ओवर्स में 189 रन ही बना पाई। इस मैच में कई सारे नए रिकॉर्ड्स बने, चलिए एक एक करके आपको सब बताते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 बॉल में 99 रन की पारी खेली। उन्होंने 6 चौके और 6 छक्के जड़े। अपनी पारी में गायकवाड़ ने सचिन तेंदुलकर का एक रिकॉर्ड तोड़ा। आईपीएल में अब तक 31 पारियों के बाद सचिन ने सर्वश्रेष्ठ 1064 रन बनाए थे। गायकवाड़ ने अपने पहले 31 पारियों में 1076 रन बना दिए। आपको बता दें कि गायकवाड़ ने 2021 में सीएसके के लिए 16 पारियों में 45 की औसत से 635 रन बनाए थे। 31 पारियों के बाद आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में टॉप 5 में हैं ऋतुराज गायकवाड़ 1076 रन, सचिन तेंदुलकर 1064 रन, देवदत्त पडिक्कल 932 रन, सुरेश रैना 928 रन, गौतम गंभीर 901 रन। चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बार फिर दिखाया कि क्यों वो आईपीएल की बेस्ट टीम्स में से एक है। सीएसके ने 202 रन बनाकर एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। आईपीएल 2022 शुरू होने से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सबसे ज्यादा बार 200 से ज्यादा रन का स्कोर बनाया था। चेन्नई ने इस सीजन ये कारनामा 3 बार कर दिखाया है और इसी के साथ ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। चेन्नई ने अब आईपीएल इतिहास में 20 बार 200 से ज्यादा का स्कोर बनाया है। बैंगलोर ने इस सीजन सिर्फ एक ही बार 200 से ज्यादा का स्कोर बनाया है। बैंगलोर ने आईपीएल में अब तक 19 बार 200 से ज्यादा का स्कोर बनाया है। उमरान मलिक मैच खेल रहे हो और उनकी स्पीड का जिक्र ना हो, ये तो कम ही होता है। उमरान आईपीएल 2022 में लगातार अपनी फास्ट बॉलिंग से फैंस को एंटरटेन करते रहे हैं। उमरान ने 9 मैच खेलकर एसआरएच के लिए 15 विकेट भी निकाले हैं। सीएसके के खिलाफ उमरान मलिक ने 154 किलोमीटर पर आर से बॉलिंग की। 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर उमरान ने सीएसके के कप्तान एमएस धोनी को एक यॉर्कर डाला जिसकी स्पीड 154 किलोमीटर पर आर थी। यह आईपीएल के इतिहास में किसी भी इंडियन बॉलर की सबसे तेज गेंद थी। इस बॉल पर एमएस धोनी एक ही रन ले पाए। ये बॉल आईपीएल 2022 की सबसे तेज गेंद भी रही। ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे ने ओपनिंग करते हुए 182 रन की पार्टनरशिप की और रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। 166 रन पूरे होते ही गायकवाड़ कॉनवे ने आईपीएल 2022 में अब तक की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। ये आईपीएल में एमसीए स्टेडियम पर सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप भी है। इसके पहले ये रिकॉर्ड 138 रन का था। आईपीएल के इतिहास में ये सीएसके की सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। इससे पहले शेन वॉटसन और फैफ डुप्लेसी ने मिलकर पंजाब किंग्स के खिलाफ 2020 में 181 रन बनाए थे। आईपीएल की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारियों की लिस्ट में भी इस पार्टनरशिप ने अपनी जगह बनाई है। ये आईपीएल की चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप है। जॉनी बेस्टो और डेविड बॉर्नर की 2019 की 185 रन की पार्टनरशिप इस लिस्ट में टॉप पर है। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने पिछले 5 मैच में से 3 मैच में जीत हासिल की है। सीएसके का अगला मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से 4 मई को होगा। वहीं केन विलियमसन की सनराइजर्स हैदराबाद अपने अगले मैच में 5 मई को दिल्ली कैपिटल से भिड़ेगी। और अब बात करते हैं गेमजी की। इस ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दिया है। गेमजी पर आपके पास मौका है 5 करोड़ तक के इनाम जीतने का। इस ऐप पर आप लाइव मैच में भी टीम बदल सकते हैं और पहले डिपॉजिट पे आपको मिलेगा 100 रुपए का कैशबैक भी। साथ ही साथ अब निवेश करना हुआ और भी आसान। 5 पैसा ऐप से 5 मिनट में अपना डीमैट अकाउंट बनाएं। यह ऐप आपको देता है रिसर्च टूल्स और इन्वेस्टमेंट एडवाइस, 0% ब्रोकरेज और 20 रुपीज पर ट्रेड पर। इस ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और दी लल्लन टॉप यूजर्स को आईपीएल 200 के कोड पे मिलेगा 200 का कैशबैक। तो अगर ऑलरेडी नहीं डाउनलोड किया है तो जल्दी इन दोनों ऐप्स को डाउनलोड करें। ये खबर आपके लिए लिखी है पुनीत ने। ऐसे ही खेल से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप।